यह ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। पहली बार इस मेडिकल संस्थान ने तब सुर्खियां बटोरी जब व्यापम फर्जीवाड़ा सामने आया, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा मुन्ना भाई इसी संस्थान के हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से जुड़े जी आरोग्य अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर SN अयंगर दवाओं की खरीद के घोटाले को लेकर चर्चा में है। मध्य प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में किए गए घोटाले के बाद AG ऑडिट की रिपोर्ट बताती है कि एक इंजेक्शन की खरीद में सरकार को 1,15,00,000 का चूना लगाया गया। इंजेक्शन मेरोपेनम 1 ग्राम की कीमत सरकार के टेंडर में 211.09 पैसे तय हुई थी, जबकि कंपनी को इसका भुगतान 385 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से किया गया। AG ने ऑडिट रिपोर्ट में यह माना है और ऑडिट रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। इस मामले में डॉक्टर अयंगर ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, पर फोन पर हुई हमसे बातचीत में उन्होंने कहा, यहाँ तो जांचें चलती रहती हैं और सब पद पर बने रहते हैं, और लोगों पर भी कई मामले हैं, पर सब पद पर बने रहते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैंने टेम्परेरी चार्ज ले रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी छवि यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी है। DME द्वारा बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने भी अपनी जांच में आरोपों को सही पाया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद डॉक्टर SN अयंगर को जी आरोग्य अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट के पद से मुक्त कर दिया गया था और इनका तबादला ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से जबलपुर मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। नहीं, ये अस्थायी रूप से हम मतलब ने कोई वो अधिकार तो नहीं है, पर अस्थायी रूप से हमारे पास उस टाइम में दिया था तो MCI के इंस्पेक्शन के लिए दिया था चार्ज, और कोई वो परमानेंट नहीं है, वो तो शासन निर्णय करेगा। लेकिन सर, तमाम जांचें चलने के बाद में भी ऐसे व्यक्ति को चार्ज देना कितना उचित मानते हैं? नहीं, ये बात तो सही है कि कोई ऐसा कोई सीरियस एलिगेशन है, जांचें चल रही है, अन्य लोग का भी हमने शासन ने हमसे मांगा कि 4-5 जो है, तो इस तरह से जांचें का कोई रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ने लोकायुक्त में चल रहा है, एक इंजेक्शन का भी और 2-3 जांचें और चल रही है, बाकी लोगों के अगेंस्ट भी चल रही है। लेकिन राजनीतिक हलकों में अपने रसूख का इस्तेमाल कर अयंगर ने ये ट्रांसफर रुकवा दिया और इस बात को खुद उस समय के तत्कालीन अधिकारी ने माना कि अयंगर के तबादले को रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना आई थी। प्रमाणिक तौर पर सामने है, क्योंकि मुख्य डॉक्टर SN अयंगर के पूर्व में भी जो चिकित्सा शिक्षा विभाग में PS थे अजय तिर्की, उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध इनके चलते मामलों को देखकर इनका स्थानांतर ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से जबलपुर मेडिकल कॉलेज कर दिया था सितंबर 2014 में। उस दौरान उस पूरे ट्रांसफर की प्रक्रिया को मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा भी अनुमोदन किया गया था और ट्रांसफर उनका लगभग तय था, जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई PS को कि इनका ट्रांसफर निरस्त किया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय के आदेश के बाद इनका ट्रांसफर निरस्त किया गया, जिससे साफ कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है पूरे भ्रष्ट तंत्र को मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण, और मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ सीधे संबंध रखते हैं। वहीं इसी बहाने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक मौका मिल गया शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाने का। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका परिवार ऐसे लोगों को अपने निकट रखता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उन पर कई प्रकरण होने के बावजूद भी उनको संरक्षण मिल रहा है। JR हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अयंगर, जिनके ऊपर EOW का केस है, लोकायुक्त ने केस है, AG रिपोर्ट ने उनके खिलाफ टिप्पणी की है, उनको स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां से हटाने का निर्णय लिया क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया। निरस्त ही नहीं किया, उनको अब JR हॉस्पिटल का डीन बना दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव को की गई शिकायत के बाद डॉक्टर SN अयंगर को डीन या सुप्रिंटेंडेंट पद की जिम्मेदारी नहीं देने का फैसला किया गया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसकी सहमति दे दी थी। केवल 20 दिन में ही डॉक्टर अयंगर का प्रमोशन हो गया
और उन्हें सुपरिटेंडेंट के बजाय ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का डीन बना दिया गया। जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमारे किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कॉलेज की जो प्रभारी डीन है क्या उनकी नियुक्ति ठीक हुई है? बिल्कुल ठीक हुई है सर। इसके पहले आपने उन पर आरोप लगाए थे, आरोप लगाए थे कि वो सही नहीं है, भ्रष्टाचार है। मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मामले भी चल रहे हैं, चलते रहते हैं, तो क्या ठीक है उनकी नियुक्ति जो जिस पर? जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आए। सर, आप डॉक्टर एसएन अयंगर को जानते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, इसके बावजूद उन्हें डीन के पद पर सुशोभित रखा गया है। प्रांजलि सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।